मुरादाबाद के थाना पागबाड़ा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पकड़े गए 6 आरोपियों के पास से पुलिस ने बड़े 4 पहिया वाहनों के 40 इंजन सहित 10 लग्जरी कारें भी बरामद की हैं। पुलिस ने इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 6 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मुरादाबाद की थाना पागबाड़ा पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने पकड़े गए 6 आरोपियों के पास से भारी मात्रा में लग्जरी कारों के पुर्जे, जिनकी कीमत लगभग 40 लाख आंकी जा रही है, साथ ही 10 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। पकड़े गए सभी 6 आरोपी अमरोहा व मुरादाबाद जनपद के रहने वाले हैं, जिन पर पूर्व में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। कुछ जगहों पर चोरी की गाड़ियों की अवैध कटान हो रही है और जिसके सूचना संकलन के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। हमारी टीम ने एसपीसीटी के नेतृत्व में और सीओ हाईवे थाना पागवारा की टीम ने एक बहुत ही बड़ा और शातिर अंतर्राज्यीय गैंग को बस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो चोरी की गाड़ियों को विभिन्न विभिन्न जगहों से प्राप्त कर उसका अवैध कटान करते थे और उसको फिर मार्केट में जो है सप्लाई भी करता था। इनके पास से इन गिरोह के अभी कुल 6 मेंबर हमें गिरफ्तार हुए हैं और उनकी निशानदेही पे कुल 40 इंजन जो गाड़ियों के कटान से प्राप्त हुए हैं और 10 पूरी गाड़ी हमारे पास फोर व्हीलर गाड़ियां बरामद हुई है। तो कुल 50 गाड़ियों की बरामदगी इन लोगों के पास से हुई है। इन सभी इंजन के इंजन नंबर से और गाड़ियों की डिटेल से अभी तक कुल 8 चोरी के मुकदमों से कनेक्ट हुआ है। शेष 42 इंजन को और गाड़ियों को हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पूछताछ में इन सभी अभियुक्तों ने बताया कि तकरीबन 5-6 महीने से थाना पागबाड़ा क्षेत्र के उस जगह ये कार्य चल रहा है, जहां इनके अन्य साथी जो विभिन्न क्षेत्रों से एनसीआर से या मुरादाबाद रेंज के अन्य ज़िलों से चोरी करके गाड़ियां लाते थे, उसका कटान कर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कनेक्शंस पे अलग अलग मोटर मैकेनिक्स को वो जो है सप्लाई करता था, बेचता था। अभी इस गिरोह के 6 अभियुक्तों को शेष गिरफ्तारी करना शेष है, जिसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड भी सम्मिलित हैं। उनकी गिरफ्तारी के उपरांत और भी इस नेटवर्क के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, परंतु अभी तक की एक अच्छी बरामदगी, अच्छा नेटवर्क को ध्वस्त करने में हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। हमारी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। सर, ये जो गिरोह है, सर, ये इन गाड़ियों का इस्तेमाल क्या करता था, पार्ट्स बेचता था या हीनियस क्राइम के लिए इन वाहनों का प्रयोग होता था? देखिए, अभी तक की पूछताछ में और जो मौके से इंजन और बॉडी पार्ट्स बरामद हुए हैं, उनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग चोरी की गाड़ियों को लाकर तत्काल उसको डिसमेंटल करके जो बॉडी पार्ट्स हैं गाड़ियों को उसको विभिन्न विभिन्न जगह मार्केटों में बेचते थे जहां इनकी ज़रूरतें थे, और कुछ जनपदों में जैसे बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, सभी जगहों पर। और हमारी टीम इस सभी नेटवर्क को जानकारी करने में अभी लगी हुई है। जो जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। लग्जरी गाड़ी उठाते थे, महंगी गाड़ियाँ, और कहाँ कहाँ से मुरादाबाद जनपद के अन्य जनपदों से भी ला के कटान करते थे, और कहाँ सप्लाई करते थे, सोटीगंज से भी क्या इनके कनेक्शन? देखिए, अभी तक की पूछताछ है, 4 मुकदमे दिल्ली से, 3 मुरादाबाद से, 1 बदायूं से कनेक्ट हुए हैं। शेष हमारे 42 जो इंजन और गाड़ियां हैं बची हुई, उनको भी उनके मालिक का ट्रेस करते हुए कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी तक पूछताछ में बताया कि NCR, दिल्ली और आसपास के जनपदों में ये गाड़ियाँ चोरी करके, हर एक तरह की गाड़ियों को चोरी करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं। सर, सोटीगंज से भी इनका कनेक्शन है क्या? देखिए, अभी तक की पूछताछ में इस प्रकार की कोई ट्रेस नहीं मिले हैं, परंतु जो इन्होंने बताया है कि बिजनौर, संभल और मुरादाबाद रेंज के अन्य जनपदों में भी ये सप्लाई करते थे। किन किन को सप्लाई किया जाता था, उसकी डिटेल छानबीन की जा रही है। मुख्य मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए जो है हमारी टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र जो है उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। बेशक जो इनका कहना है कि जो मास्टरमाइंड और ये जो पूरे गिरोह हैं, ये घेर जहाँ पे ये काटने का या जो इंजन और अन्य बॉडी पार्ट्स रखने का काम करते थे, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज करते रहते थे,
ताकि किसी भी व्यक्ति को बहुत शक न हो या कभी वो पकड़े ना जाए, और उसको रैंडमली अलग अलग जनपदों में रखते थे ताकि जो है कोई बड़ी कार्रवाई न हो पाए। सर, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है? हाँ बिल्कुल, इनके आपराधिक इतिहास है और इनके बारे में और छानबीन